तो हम लोग तो विपक्ष को पानी पिलाइए दिए, देखे नहीं क्या कल है, लोग पानी पी के उठ के धरना पर से उठ गया लोग। सवाल ये है कि आज आप लोग के विधायक आए थे मिठाई खिलाने और थाली को उड़ा दिया। मिठाई खुशियों में लोग खिलाते हैं, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनादर किया है तो संस्कृति का अनादर किया है, और संस्कृति का अनादर देश स्वीकार नहीं करता। कई को बीजेपी के सदस्य जो है वो लड्डू खाए भी हैं, हाँ बिल्कुल खाए हैं। आप देखिए लॉबी में कितने बीजेपी के सदस्य ने खुशी जाहिर किया कि लालू यादव जी को तंग किया जा रहा था, आज न्याय मिला है लालू यादव जी के परिवार को और लालू जी को। केंद्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ बातचीत के लिए, आचार समिति की रिपोर्ट पेश करने की बात कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। आचार समिति कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, क्योंकि नेता जो प्रतिपक्ष अभी हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं तैयार की है, ये रिपोर्ट का सवाल कहाँ खड़ा होता है। कह रहे हैं कि हमने जाँच करवा के दिया लेकिन सदन के पटल पर लाया नहीं। नहीं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। इस बात को लेकर के भाजपा के अंदर में चार फाड़ है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो विधानसभा में विपक्ष चल रहा है उसको लेकर कई तरह की बातें सामने खुल के आ रही है। तो एक तरह से खंडित है पूरा विपक्ष, अपने में ही आपस ही कुनबा टुकड़ों में तब्दील है। लालू जी को बेल मिल गया है, इस बात को कैसे देख रहे हैं? सत्यमेव जयते, लाखों करोड़ों लोगों का जो विश्वास था, आस्था था कि जनता की जीत है, न्याय की जीत है। सवाल ये है कि आज आप लोग के विधायक आए थे मिठाई खिलाने और थाली को उड़ा दिया। मिठाई खुशियों में लोग खिलाते हैं, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनादर किया है तो संस्कृति का अनादर किया है, और संस्कृति का अनादर देश स्वीकार नहीं करता। लेकिन कहा जा रहा है कि जब प्रदर्शन कर रहे थे तो कल पानी पिलाया, आज मिठाई खिलाया, आखिरकार इस तरीके से क्यों कर रहे हैं आजड़ी वाले? सवाल ये उठता है कि अगर कोई प्यासा हो उसको पानी न दे, ये तो गलत बात है। हम तो सबका ख्याल करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सदन के अंदर में हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिरोध कई मुद्दों पर होता है, लेकिन हमारी कोई आपसी खुन्नस नहीं होती है। हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष भी सरकार का ही अंग है, इसलिए हम उसका भी अनुपालन करते हैं। आज आ रहे थे ऋषभ यादव को भी पेश ही होना था लेकिन वो पेश नहीं हुआ। इसमें कुछ है नहीं, ये तो एक तरह से भ्रामक चीज़ों को ला कर करके जो दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, तो देखिए सब कुछ सामने ही आ जाएगा खुल करके। चलिए, तो बिल्कुल आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। सीधे तौर पर इनका कहना है कि इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कहा जाए कि जो मिठाई खिलाई जा रही थी भाजपा विधायकों को, आरजेडी विधायकों के द्वारा, तो उन मिठाई को जो है वो फेंक दिया गया। और देखिए आरजेडी के विधायक भी हैं जो मिठाई खिला रहे थे और उनकी थारी को बिक दिया गया। क्या कहेंगे? थारी फेंक दिया गया था, थारी देखिए वो उनका पता नहीं क्या था जब वो थारी फेंक दिया, कहाँ गुस्सा कहाँ निकाल रहे थे। तो हम लोग तो ये सारा भाईचारा प्रेम से सब लोग को लड्डू खिला रहे थे, भाई खाइए सब लोग, आप लोग भी, आपका भी वेलकम है, आप भी खाइए। लेकिन उनको नागवार गुजरा और उन्होंने थाली फेंक दिया। तो आखिर कैसे देखते हैं आगे से? तो मिठाई नहीं खिलाइएगा अब आप? अब ऐसा उनका नौबत रहेगा तो कैसे खिलाएंगे मिठाई? ये तो खुशी का चीज़ था, सब लोग आपस में बांट के खाते ही हैं। अब उनको लगा था इसमें दुख उनको लग गया भाई, तो हम क्या कहें जी किसे। लेकिन तब पर भी हम लोग चाहेंगे जी किसे नहीं, अगर खुशी रहे तो सब में मिल करके बांट करके खाएंगे, हम लोग उनको भी खिलाएंगे। आप पानी पिला रहे हैं? तो हम लोग तो विपक्ष को पानी पिलाइए दिए, देखे नहीं क्या कल है, लोग पानी पी के उठ के धरना पर से उठ गया लोग। आज देखिए लड्डू खाया उठ गया लोग, कई को बीजेपी के सदस्य जो है वो लड्डू खाए भी हैं, हाँ बिल्कुल खाए हैं। आप देखिए लॉबी में कितने बीजेपी के सदस्य ने खुशी जाहिर किया कि लालू यादव जी को तंग किया जा रहा था, आज न्याय मिला है लालू यादव जी के परिवार को और लालू जी को। तो आज सब लोग खुश है, पूरा देशवासी खुश है, गरीब जनता खुश है, कुछ बीजेपी के विधायक भी खुश हैं। चलिए, तो कुछ बीजेपी के भी विधायक भी खुश हैं लालू यादव को बेल मिलने पर। तो आपने सुना है किस तरीके से आरजेडी के विधायक थे और प्रवक्ता भी, तमाम लोगों की बात आपने सुनी है। पुनीश पुनीशन के साथ नमस्कार।